अच्छा 50 रुपीज में PS4 की गेम मिल जाएगी? PS4 की गेम मिल जाएगी, कोई भी। PS4 में मीटर भी आते हैं मेरे ख्याल से इसके, हाँ, डिजिटल इसमें मीटर डिजिटल लगे हुए। मीटर आता सब कुछ। सबसे ये चीज भैया ने ला दी है जो हम पिछली वीडियो में हमने नहीं दिखाई थी, ये सील पैक। अच्छा सील पैक है, काफी सही है। न्यू कितने का भैया मिलते हैं? सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू द जपनी सिंह व्लॉग्स। तो आज हम फिर से आ गए टीयर 1 गेमिंग लाउंज में। तो कैसे हो भैया आप? बढ़िया सर। और कैसा आपका काम, कैसे चल रहा है अभी? बहुत सही चल रहा है, मतलब काफी कुछ अपग्रेडेशन किया भैया ने, धीरे धीरे अपग्रेड करते जा रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात, पिछली वीडियो हमने जो बनाई थी उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत यही थी कि हमारे पास गेम्स लोडेड वाली प्ले स्टेशन नहीं थी, पर भैया ने वो भी अब अरेंज करा दी है आपकी डिमांड में, तो आपको वो भी मिल जाएगी प्ले स्टेशन। तो प्ले स्टेशन पे चलते हैं, आप सीधा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप पहले मुझे ये बता दो प्ले स्टेशन कौन सी स्टार्ट हो जाएगी आपके पास? PS4 फैट है हमारे पास पहले तो। सबसे पहले आ जाएगी PS4 फैट, और ये हम इस बार जेल ब्रेक वाली ला रहे हैं जिसके अंदर गेम्स आपकी लोड रहेंगी। जी हाँ जी। तो क्या प्राइस रहेगा इसका? इसका 19,000 है। 19,000, क्या स्पेस है इसकी? इसकी 500 GB है। 500 GB है, 9.0 वाला वर्जन है, आपको पहले बता दूं। हाँ। आजकल 11. अगर जैसे 11.0 अगर इसी में लेना तो वो भी मिल जाएगा? हाँ वो भी मिल जाएगा। उसका क्या प्राइस रहेगा? उसका 1500 एक्स्ट्रा होता है। उसका 1500 एक्स्ट्रा, अच्छा, उसमें किट लगती है। अच्छा, मतलब मेन किट का प्राइस है। हाँ। जेल ब्रेक सेम ही है, तो ऐसा मतलब जो 11.0 जेल ब्रेक आ रहा है कैसा है मतलब इनका? अभी सही है, अभी तो पहले तो पीसी से हो रहा था जेल ब्रेक। हाँ जी। किसी के पास पीसी नहीं है तो कैसे करेगा, तो अब किट आ गई है उसके लिए। अच्छा, मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके हिसाब से? नहीं, फीडबैक बिल्कुल भी 11.0 वाला स्मूथ चल रहा है अभी? बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद किट आती है, वो भी भैया जब आप लेंगे तो आपको बता देंगे। और इसके बाद अगर हम चलें, जैसे यहाँ पे एक और अपने पास पड़ा हुआ है PS4 स्लिम पड़ा हुआ है अपने पास। ये PS4 स्लिम है, ये 11.0 जो आप बता। अच्छा, ये 11.0 वाला है? हाँ जी। तो इसका ये सब प्राइस इंक्लूडेड है किट लगा के। अच्छा, 22,000 किट की अलग से अगर आप देखोगे तो महंगी पड़ जाती है, लेकिन 22 में आपको इंक्लूड मिल रही है। हाँ। और कितना स्पेस है इसमें? कितना स्पेस है? 500 GB। अच्छा 500 GB, और किसी को 1 TB लेना तो कितना डिफरेंस आ जाएगा प्राइस का? 1500-2000 का। 1500 या 2000 का डिफरेंस, मतलब 23-24 में मान के चलो आपको मिल जाएगा PS4 स्लिम। और कितनी गेम्स लोड हो जाती है भैया इसमें? इसमें 10-20 आ जाती है आराम से। अच्छा, और 1 TB में? 1 TB में 20 आ जाती है, इसमें 10। इसमें 10 आ जाती है। हाँ। ओके, अगर जैसे अगर वैसे जैसे PS4 नॉर्मल है, मतलब सॉरी जेल ब्रेक है, अगर किसी को स्लिम वाला लेना है, CD वाला, स्लिम CD वाला लेना है, तो आपके 4000 लेस हो जाएंगे। मतलब 18,000 का मिल जाएगा। हाँ, और 18, वो 1 TB मिलेगा या फिर 5? 1 TB मिल जाएगा 18,000 का PS4 स्लिम। नेक्स्ट अगर हम चलें तो PS4 जैसे ये प्रो पड़ा हुआ है, तो ये भी जेल ब्रेक वाला ही है? ये जेल ब्रेक है 11.0, साथ में इसमें 1 TB मेमोरी है, तो उसमें 20 गेम्स आराम से आ जाएंगे, साथ में 4K एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, और गेम्स कस्टमर की डिमांड की रहेगी एकदम? हाँ जी, ओके, जो आप गेम्स कहोगे वो आपको मिल जाएंगे, बस आपको पहले से लोडेड रखते हैं हम। हाँ, जैसे अगर किसी कस्टमर को हरी में चाहिए तो हम उस वक्त भी दे देंगे। हाँ जी। अगर उसकी डिमांड होगी तो एक दिन का टाइम लगेगा, मतलब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आपको मिल जाएगी। हाँ। तो सबसे बढ़िया बात, इसका क्या प्राइस बताया था हमने? 28,000 पड़ेगा, क्योंकि ये जेल ब्रेक वाला। और किसी को नॉर्मल रहना सीडी वाला तो नॉर्मल लेना 23-24 डिपेंड ऑन द कंडीशन आपको। हाँ। मिल जाएगा बढ़िया। ठीक है, तो सबसे ये चीज भैया ने ला दी है जो हम पिछली वीडियो में हमने नहीं दिखाई थी। अब जैसे इसके बाद अगर आगे चलते हैं, PS5 किसी को लेना हो, तो जैसे PS5 भी पड़े हुए हैं, तो ये PS5 स्लिम यूज्ड है कि न्यू है? सॉरी, फैट वाला। फैट वाला यूज्ड है, ये यूज्ड वाला है। हाँ। क्योंकि न्यू तो बंद हो गया मेरे ख्याल से पीछे से। हाँ। और ऑनलाइन महंगे मिल रहे हैं, तो उसका फायदा नहीं है कुछ। हाँ जी। क्या प्राइस है इसका? ये यूज्ड है, पर इसकी वारंटी के अंदर है। अच्छा, वारंटी के अंदर आपको, हाँ, वारंटी के अंदर मिलेंगे, 5-6 महीने की वारंटी होगी, और इसका 36-37,000 प्राइस रहेगा अकॉर्डिंग टू वारंटी। अच्छा, 36-37,000। वैसे आपने बताया था लास्ट वीडियो में 34,000 से प्राइस स्टार्ट हो से स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग है, और 37 तक लास्ट आपका जाता है फैट का। जी। और नेक्स्ट अगर चले PS5, जैसे ये पड़ी है, न्यू पड़ी है कि यूज पड़ी है? ये सील पैक। अच्छा, सील पैक है। हाँ। क्या बात है, इसका क्या प्राइस रहेगा? इसका आपका 46,000। 46, मतलब न्यू तो, मतलब यूज तो ये 50, न्यू तो 50,000 का मिल रहा है। ना, न्यू 55-54 ऐसे। हाँ, 54-55 का मिल रहा है, और 52 का भी, मतलब जहाँ पे मिनिमम 50 जा रहा है। हाँ। आपने और कम कर दिया रेट। हाँ, पर मेरा ये मेरा फिक्स प्राइस है। अच्छा। हाँ। तो मैंने वैसे पिछली वीडियो में बोला था, जैसे सबसे पहले आया था तो 48 था, फिर आया 47 और 46 हो गया। हाँ, बोल ही रहे थे तो हो ही गया। अच्छा, तो बहुत ज्यादा रेट कम हो गया। और सबसे बढ़िया बात, ये ऑफिशियल वारंटी के साथ मिल रहा है, जिसके अंदर येलो कार्ड मिलेगा आपको। हाँ, पर और 1 साल की वारंटी है, बिल्कुल न्यू पीस मिलेगा 46,000 का। प्राइस फिक्स है, तो प्राइस के लिए मत कहना, क्योंकि इससे कम आपको कहीं मिलेगा नहीं, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो, इससे कम तो आपको मिलेगा नहीं। एंड नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे इसके अंदर स्लिम का यूज कोई पीस आया आपके पास अभी? स्लिम का यूज डिजिटल में पड़ा होगा हमारे, डिजिटल में पड़ा है, एक बार दिखा दोगे आप? डिजिटल में पड़ा होगा, ये भी बस 1 महीना पुराना ही है, ज्यादा यूज भी नहीं है। अच्छा, ये वाला हमारा कौन सा है? ये डिजिटल वाला है। हाँ, एक महीना पुराना डिजिटल।
ओके, तो इसका मतलब कितनी वारंटी है? इसमें वारंटी 11 मंथ्स की वारंटी पड़ी हुई है सोनी की। अच्छा, क्या प्राइस रहेगा इसका? इसमें ये 37,000 का। 37,000 का मिल जाएगा। अच्छा, वो फैट सीडी वाला है इसलिए वो थोड़ा प्राइस सेम है, और ये आपका 11 मंथ्स डिस्क डल जाती है इसमें। डिस्क हार्ड डिस्क नहीं डलती, बस ये है इसकी जो वो आती है ना एक्सटर्नल, वो आपको अलग से भी मिल जाएगी। हां, ये एक्सटर्नल आजकल आने लग गई है, इंपोर्ट हो रही है अभी तक, ऑफिशियल आ गई है? हां, अभी नहीं आई, अभी नहीं आई ना। वैसे इसका 37 बहुत सही प्राइस है, जो कि आपको मिल जाएगा 11 मंथ्स के, मतलब एक साल ही हो गया पूरा, एक महीने का ही तो है। हाँ, वैसे भी इनमें कोई इशू तो आता नहीं आपको। हाँ, 11 मंथ्स की वारंटी मिलेगी, मतलब प्रॉपर येलो कार्ड मिलेगा वो बोला। हाँ, प्रॉपर सब कुछ ठीक है। तो भैया, जैसे हमने PS5 का प्राइस बता दिया आपने, 46,000 स्लिम का न्यू मिल जाएगा। और अगर किसी ने जैसे अपग्रेड भी कराना हो स्पेस, जैसे इसके अंदर 1 TB स्पेस मिलती है प्रॉपर? हाँ, इसमें 1 TB नहीं मिलती पर। अच्छा, जो स्लिम होता है उसमें 1 TB बोलते हैं, 865 मिलती है आपको। अच्छा, 865 GB स्पेस होती है। हाँ, कम तो नहीं पड़ती गेम्स खेलने के लिए? कम कभी कभी पड़ जाती है, जैसे आप कॉल ऑफ ड्यूटी देखो आप, 200-250 GB की। हाँ जी, हाँ जी, लेटेस्ट ऐसे टाइटल आया तो बहुत हैवी। उसके साथ अगर आप कोई गेम डालोगे तो वो फंस जाती है, फंस जाती है, आपको पहले वाली डिलीट करनी है। तो अगर उस हैसल में नहीं पड़ना तो आप SSD ले सकते हैं। अच्छा, कौन सी वाली लेकर दिखाओगे आप? ये आप सैमसंग की, मेरे पास पड़ी 990। अच्छा, सैमसंग की SSD पड़ी हुई है, और ये इसके अंदर आप इंक्लूड करा सकते हो, तो ये 2 TB है। ये 2 TB है, अगर 1 TB में मिल जाएगी। अच्छा, 1 TB मिल जाएगी। और अगर आप ये दोनों लेते हो इकट्ठे तो प्राइस में आपको वो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ, PS5 के साथ अगर SSD लोगे तो प्राइस और कम मिलेगा। हाँ जी, और आप उल्टा आपकी एक स्पेस भी बढ़ जाएगी। और इसकी वारंटी कितनी होती है भैया? इसमें पूरी 5 साल की, 5 साल की वारंटी होती है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन करें अपने एक्सबॉक्स पे, जैसे हम PlayStation की बात कर ली, अभी जैसे एक्सबॉक्स आपके पास Xbox Series S काफी सही है। न्यू कितने का भैया मिलते हैं? न्यू 36-35। ओके, तो इसकी वारंटी कितनी रहेगी? काफी, मतलब काफी स्लिम है, इसको कैरी करना बहुत आसान है। हाँ, इसको बॉक्स भी छोटा सा आता है इसका। हाँ जी, हाँ, और इसका 20,000 प्राइस है, और वारंटी रहेगी आपकी साइड से इसकी? इसकी मेरी साइड से 1 मंथ की वारंटी, 1 मंथ टेस्टिंग वारंटी रहेगी। हाँ। और नेक्स्ट अगर हम चले, जैसे ये एक्सबॉक्स सीरीज एक्स पड़ा हुआ है हमारा, ये एक्स है, इसमें सीडी भी डल जाती है। हाँ जी, और इसमें 1 TB मिलती है स्पेस, उसमें 500 GB मिलती है। 512 GB मिलती है, इसके अंदर 1 TB स्पेस आपको मिलती है, और इसके अंदर भी सारी गेम्स चल जाती है स्मूथली। सारी गेम्स स्मूथली, और ये 4K 120 FPS सपोर्ट के 4K, मतलब ये देखा जाए तो PS5 से थोड़ा अच्छा है मेरे हिसाब से, जान सकते हैं। पर इसमें गेम्स वही है, PS5 तो PS5 है। हाँ, PS5 है, बट स्मूथनेस में देखिए कि इसमें फ्रेम रेट थोड़े इसमें ज्यादा अच्छे हैं। इसका क्या प्राइस है? इसका 37,000 37,000 का। ये ओनली 2 मंथ्स ओल्ड है। अच्छा, इसमें 10 मंथ्स की आपकी 10 मंथ्स की वारंटी मिलेगी, वो भी ऑफिशियल। हाँ, और नेक्स्ट अगर हम चलें, जैसे कि ये हमारे पास स्टेरिंग व्हील पड़ा है, पहले आप मुझे ये G29 का बता दो, G29 हो जाएगा अवेलेबल? G29 आपको मिल जाएगा 23,000। अच्छा, अभी भी वो न्यू मिलेगा एकदम? हाँ, न्यू कंडीशन कह सकते हो आप। पर क्या वारंटी रहेगी? 20 मंथ्स की वारंटी है। 20 मंथ्स की, मतलब 2 ईयर्स नहीं है, थोड़ा सा कम है उससे। तो ओके, G29 का 23,000 पड़ेगा, जो काफी सही प्राइस है। और शिफ्टर के साथ किसी को लेना हो तो क्या प्राइस पड़ेगा? शिफ्टर अलग से मिल जाएगा आपका, उसका क्या प्राइस रहेगा? 5,000। अच्छा, 5,000 शिफ्टर का प्राइस रहेगा। और जैसे उसके बाद ये स्टीयरिंग व्हील पड़ा है, ये कौन सा वाला पड़ा हुआ है? ये शायद वही है जो शायद हमने अंदर खेला था, वही वाला खेला हुआ है। हाँ जी, वो एक्सबॉक्स का था, ये PS5 का। अच्छा, ये PS5 का? PS5, PS4। अच्छा, PS4, PS5 है, एक्सबॉक्स के साथ नहीं कनेक्ट होता है? ये वाला एक्सबॉक्स के साथ नहीं होता है, उसके लिए भी आ जाता है। अच्छा, सेम रेट होता है। अच्छा, ये PC के साथ भी हो जाता है? PC से। क्या प्राइस रहता है इसका? इसका 21,000 रहेगा। ये कौन सा वाला मॉडल है वैसे इसके? T240 यूज में रहेगा? हाँ, ये यूज में रहता है। आप कंडीशन देखोगे बिल्कुल क्लीन है, कहीं भी स्क्रैचेस आपको नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे मीटर भी आता है मेरे ख्याल से, इसमें डिजिटल मीटर आता है सब कुछ। हाँ जी, तो काफी सही है ये, मतलब G29 से अच्छा है कि कैसे उसके? उसका इसका 4 फीडबैक अच्छा है, वो यूजर फ्रेंडली है। अच्छा, दोनों सेम है, मतलब थोड़ा ऑलमोस्ट। और नेक्स्ट स्टीयरिंग व्हील, जैसे ये थ्रस्ट मास्टर का पड़ा हुआ है, ये स्टीयरिंग व्हील है या फिर नॉर्मल ये खाली? यही वाला स्टीयरिंग व्हील। अच्छा, यही वाला स्टीयरिंग व्हील T248। अच्छा, T2480 पड़ा हुआ है। हाँ। ओके, तो सेम प्राइस ही होगा उसका। एंड नेक्स्ट अगर बात करें जैसे कंट्रोलर्स का, बता दो कंट्रोलर आपके पास मिल जाएंगे यूज PS4 के? हाँ, 2,000 रुपीज़। 2,000 रुपीज़ के मिल जाएंगे V2 वाले। हाँ। और उसके बाद अगर हम चलें जैसे PS5 के यूज कंट्रोलर का क्या प्राइस रहेगा? PS5 के यूज कंट्रोलर का आपका 3,800। तो न्यू का क्या है उसके?
न्यू का अभी चल रहा है 53, 5200 53 या 5200 कलर का क्या कलर का चेंज है कुछ प्राइस? यूज्ड में वाइट है। अच्छा, आपका सील पैक में लोगे तो आपको कैमो मिल जाएगा एक। क्या प्राइस रहेगा इसका? कैमो 5200 5200 और okay. ये तो अब वो हो गया है, क्या कहते हैं उसको, रेयर हो गया, जैसे स्पाइडरमैन वाला हो गया था। अच्छा, मेटालिक ब्लू। ओके, कम इसका प्राइस हमारा वही है 5500। अच्छा, 5500 रुपीस रहेगा। 6 मंथ ऑफिशियल वारंटी आती है इसके साथ। ओके, और जैसे ये मर्चेंडाइज पड़े हैं, ये सेल करने के लिए रखे हुए हैं कि ये शो पीस के लिए? ये तो अभी शो पीस है, पर आपको हमारा ग्रुप जो है, जो आप डिस्क्रिप्शन में भी देखोगे, हाँ जी हाँ जी, उसमें सब कुछ है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप मिल जाएगा लिंक, वहाँ पे आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और डेली अपडेट्स आते रहते हैं वहाँ पे। हाँ, और नेक्स्ट जैसे आप मर्चेंडाइज देख सकते हो, यहाँ पे आते रहते हैं ये वाले। बोलो जुबा केसरी। और जैसे सीडीज भी पड़ी हुई है, सीडीज का हमने प्राइस पिछले कवर किया था, 300 से स्टार्टिंग थी कि 200 कुछ? हाँ, 300 से स्टार्टिंग, 300 स्टार्टिंग सीडीज। हाँ जी, पीएसआर की सीडीज 1500 से स्टार्टिंग है। और आपको अगर किसी को अगर PS4 की गेम डलवानी है, हाँ जी, और उसका अगर वर्जन 11.0 या फिर उससे कम है, हाँ जी, तो 50 रुपीज में आपको गेम मिल जाएगी। अच्छा, 50 रुपीज में PS4 की गेम मिल जाएगी? PS4 की गेम मिल जाएगी, कोई भी। ओके, PS4 की गेम मिल जाएगी ओनली एंड ओनली 50 रुपीज में। हाँ। और जो सीडीज का प्राइस है वो हमने बता दिया, वो आपको एक बार दिखा देंगे, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, सब सीडीज में जो है बताएंगे कि वीडियो लंबी हो जाएगी। एंड नेक्स्ट, जैसे हमने ये हैंड हैंडल कंसोल बात कर लिए थे, इसके प्राइस वही है कि कुछ चेंज आया? सेम प्राइजेस है, सेम प्राइजेस है। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, ठीक है। और नेक्स्ट, जैसे प्लेस्टेशन की एसेसरीज की बात करें, एक VR आता है, आपको पता होगा, वर्चुअल रियलिटी वाला। हाँ, तो है VR2? हाँ जी, VR2। हाँ, मिल जाएगा हमारे पास। अच्छा, आपके पास पड़ा ही हुआ ये VR2 है? हाँ, प्लेस्टेशन पड़ी है। नहीं, PSVR2 है, तो इस ये आपको प्राइस मिलेगा 34,000, बिल्कुल क्लीन कंडीशन में, कोई स्क्रैच। ओके, पर ये यूज में आएगा? ये यूज में आएगा 34,000। और न्यू का क्या प्राइस रहता है इसका? न्यू का 55-60। अच्छा, बहुत ज्यादा डिफरेंस है MRP का। तो ये 34,000 का मिल जाएगा। और इसकी क्वालिटी पिछले वाले से कैसी है? पिछले वाले से अच्छी आई है, मतलब पिछले वाले से बहुत बढ़िया है। अच्छा, 4K सपोर्ट करता होगा ये भी? ये PS5 को सपोर्ट करता है। PS5 को, सिर्फ PS5 को? ओनली PS5। अच्छा, PS4 को सपोर्ट नहीं करता, तो ये चीज़ हमने क्लियर कर दी है। एंड नेक्स्ट, अगर हम बात करें जैसे कि बैग्स थे अपने पास, उसका क्या प्राइस है? जो पीछे बैग है 2000 रुपीज है, कोई भी ले लो, चाहे PS5 स्लिम ले लो, चाहे PS5 फैट ले लो, कलर का भी सेम रेट है। एंड एक और चीज आपको बता दूं भैया, का गेमिंग लाउंज भी है कि जिसके अंदर आप गेम्स प्ले कर सकते हो, जिसका आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। गेम्स की स्टार्टिंग क्या थी प्राइस उसकी, एक बार बता दो दोबारा? 150 पर आर PS5 में। हाँ जी, एक्सबॉक्स में 100 पर आर और स्टीयरिंग व्हील में 200। ओके, और जैसे जैसे प्लेयर बढ़ते जाएंगे और प्राइस भी कम होता जा रहा है। और आपका मेंबरशिप का प्लान अभी भी चल रहा है? सेम चल रहा है। हाँ, तो ये मेंबरशिप भी आप देख सकते हो, ये मेंबरशिप आप ले सकते हो, इसमें आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है, जिससे आपका टाइम, मतलब आर्स में डिस्काउंट मिल जाता है। हाँ जी, आर्स बढ़ जाते हैं हमारे। सो गाइस, हमने सभी प्लेस्टेशन के प्राइजेस कवर कर ली हैं, PS4 प्रो, फैट और स्लिम के भी। जैसे मेरा एक पर्सनल डाउट था, अगर फैट का जैसे हमने प्राइस नहीं कवर किया, फैट अगर किसी को CD वर्जन वाला चाहिए तो अवेलेबल हो जाएगा? वैसे तो रेयर आता है, बट हो जाएगा वो? अभी 13-14,000 में, 13-14,000 में हो जाएगा। और आप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। जैसे किसी को अगर विंडो शॉपिंग भी करनी है, हाँ जी, कोई अगर वीडियो देख रहा है पर उसको अभी नहीं लेना, बाद में लेना, तो वो उस ग्रुप में आ सकता है, डील्स देख सकता है। हाँ जी, कभी भी माइंड क्रैक हो सकता है। हाँ जी, और PS3 वगैरह जो अवेलेबल नहीं है वो भी कभी कभी उस ग्रुप में अवेलेबल हो जाते हैं। PS3 डालते रहते हैं अपडेट्स। हाँ जी, तो उसके लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो PS3 और PS2 के लिए। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन सबसे पहले आप एड्रेस बता दीजिए, आपका एड्रेस कहाँ पड़ेगा एक बार फिर? हमारा B4 आशा पार्क ग्राउंड फ्लोर में पड़ेगा हमारा। हाँ, जेल रोड के बिल्कुल पास है, सबसे नियरेस्ट मेट्रो तिलक नगर मेट्रो स्टेशन। ओके, और टमी सेक्शन के एकदम? टमी सेक्शन वाली गली में। ओके, सो लाउंज भी है भैया का, जिसका आपको सिनेमैटिक स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ कोई नई वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।